Hey guys, good morning. Welcome back to my new blog. This is Rahul. बज चुके हैं सुबह के 10:15 और हम जा रहे हैं मम्मी को ड्रॉप करने के लिए उनके स्कूल तक. Guys, कल का वीडियो आपने बहुत ही ज्यादा लाइक किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच. बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली. तो गाइज, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे नए नए ब्लॉग्स बनाने के लिए प्रेरित करता है. बहुत अच्छे अच्छे मैं ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा. फिलहाल बज चुके हैं 10:15, तो हमें मम्मी को जल्दी से पहुंचना है ड्रॉप करने के लिए उनके स्कूल तक, क्योंकि 10:30 पर स्कूल स्टार्ट हो जाता है. तो चलिए जल्दी से चलते हैं मम्मी के स्कूल. तो गाइस, फाइनली हम मम्मी को ड्रॉप कर चुके हैं इनके स्कूल में और अब हम जा रहे हैं घर. गाइस, कल काफी सारे काम थे जो हो नहीं पाए. आज मुझे फिर से बैंक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो SBI ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड यहाँ का मुझे नहीं मिला है. तो अब मुझे ICICI ब्रांच जाना पड़ेगा, वहाँ पे चले जाना. हाँ, HDFC या ICICI में, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है, तो स्विफ्ट कोड वहीं मिल सकता है. फिलहाल रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तो अभी चलते हैं अपने घर. तो गाइस, आ चुके हैं हम घर और ये देखिए यहाँ पर साई ने रूम का क्या हाल बना रखा है. पूरे रूम में एकदम खिलौने फैला दिए हैं और फिलहाल साई नहा के आ चुका है और वाइफ साई के लिए खिला रही हैं अनार, क्योंकि अरु को अनार खाने का काफ़ी शौक था, तो साई को भी अभी नशा चढ़ा हुआ है अनार का. फिलहाल अभी बाहर पेंट का काम हो रहा है. एक्चुअल में जब मैं मम्मी को ड्रॉप करके घर आया था, तो बबलू भैया कहते हैं कि पेंट की ज़रूरत है, तो हम लोग मार्केट गए थे पेंट लेने के लिए, पर मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाया. फिलहाल ले चलते हैं आपको बाहर और दिखाते हैं कि अभी पेंट का कितना काम हो गया है. आज बहुत ही तेज धूप है, चलिए चलते हैं बाहर. ये देखिए यहाँ पर बबलू भैया पेंट कर रहे हैं. पेंट अपनी फाइनल स्टेज पर है, ऑलमोस्ट पूरा पेंट हो चुका है. अभी वो कॉर्नर रह गए हैं और अभी मुझे एक काम और मम्मी ने दिया है, ये मुझे प्लेट्स वगैरह सुधरवानी है, तो इनको तो 2-3 घंटे चाहिए. जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि आज काफ़ी तेज धूप है और भैया पेंट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है. इतनी गर्मी में पेंट करना आसान काम नहीं है. तो गाइस, अभी मैं भी नहा लेता हूं, क्योंकि साई ने नहा लिया है और जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा तो वाइफ कहेंगी नहा लो नहा लो, तो उससे अच्छा है मैं सीधा जाता हूँ नहाता हूँ. तो गाइस, नहा धो के हो चुका हूँ मैं फ्री और मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है और यहाँ खाना भी आ चुका है. दिखाते हैं आपको खाने में क्या है. खाने में है मूंग की दाल, आलू पालक की सब्जी और थोड़ी सी कड़ी. तो चलिए खाते हैं खाना और फिर करते हैं आपसे बात. तो गाइस, बज चुके हैं 5:15 और हम लोग आ चुके हैं पार्क में. आज मम्मी भी आई हुई है साथ में. साई काफ़ी देर से जिद कर रहा था कि मुझे पार्क चलना है. एक्चुअल में अरु चली गई है, तो साई का मन नहीं लग रहा है. तो फिलहाल अभी हम आए हुए हैं पार्क में और साई देखिए पीछे मस्ती कर रहा है. हम लोगों की भी इवनिंग वॉक हो जाएगी, चलिए चलते हैं और दिखाते हैं साई क्या मस्ती कर रहा है. गाइज, ये देखिए ईशान भी आ गया है. एक्चुअल में ईशान का घर पार्क के जस्ट सामने है. तो गाइज, अभी मैं और ईशान दोनों कर रहे हैं इवनिंग वॉक और वहां पर साई खेल रहा है अपनी मम्मा के साथ.
तो गाइज फाइनली यहाँ पर हमारी इवनिंग मस्ती हो चुकी है ख़त्म, और लिटरली हमने काफ़ी इन्जॉय किया है आज इवनिंग को। और साईं तो अभी भी बच्चों के साथ खेलने में लगा हुआ है, और मेरा भाई काफ़ी थक गए थे तो हम लोग बैठ चुके हैं। मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पार्क में या अपने आसपास की बाथरूम में गंदगी मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारे देश की छवि ख़राब होती है। जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं जिन पे फाइन होता है काफ़ी ज़्यादा, और हमारे देश में अगर हमें ये स्वतंत्रता दी गई है तो यार हमें उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये हमारी आपकी सबकी ड्यूटी है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ़ रखना है। और ये देखिए हमारे सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है जब हम कहीं भी जाते हैं हमारे सब्सक्राइबर मिलते हैं तो काफ़ी खुशी होती है। फिलहाल शाम होने वाली है और सूरज ढलने वाला है, तो चलिए चलते हैं अपने घर। तो गाइस टाइम हो चुका है रात के 8:15 और साईं सोकर उठ गया है। एक्चुअल में जब हम लोग पार्क से लौटे थे तो साईं काफ़ी थक गया था तो वो सो गया था, और जस्ट अभी 5 मिनट पहले उठा हुआ है। और फिलहाल साईं खेल रहा है अपने टॉयज़ के साथ, और आज साईं के टॉयज़ में है किचन सेट। साईं को आज काफ़ी मन था खाना बनाने का तो वो खाना बना रहा है। आइसक्रीम पसंद है? मुझे चॉकलेट भी पसंद है। देखिए तो गाइस साईं बता रहा है किसको स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट काफी पसंद है। ये एक्चुअल में रोमा इंडियाना में देख रहा है, ये आइसक्रीम बना रही है तो ये भी उसकी नकल करने में लगा हुआ है और आइसक्रीम बना रहा है। कैसी आइसक्रीम बना रहे हो आप? झूठ झूठ की। तो आप कैसे बनाओगे बताओ जल्दी पापा जी को। तो गाइज ये देखिए यहाँ पर साईं की आइसक्रीम बन रही है। पता नहीं किस तरीके से आइसक्रीम बनाई जा रही है। अभी आइसक्रीम तैयार हो गई। तैयार हो गई है? तो गाइज देखिए यहाँ पर साईं ने आइसक्रीम बना ली है। कहाँ पर है बेटा आइसक्रीम बताओ? यहाँ पर। देखिए तो साईं ने ये वाली आइसक्रीम बनाई। वाह कितनी अच्छी आइसक्रीम है, बहुत बढ़िया आइसक्रीम बनाई है आपने। ये वाली रेड वाली भी दिखाओ, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनी है यार। तो देखिए गाइस बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है। अब साई कह रहा है कि पापा जी मेरी आइसक्रीम खा लो, तो मुझे झूठ झूठ में आइसक्रीम भी खानी पड़ रही है। इस तरीके से बच्चों के साथ काफी मजा भी आता है। और ये देखिए साई ने अपनी फिर से पुरानी वाली थॉमस ट्रेन की पटरियां ले ली हैं, और अब साईं फिर से अपनी पुरानी थॉमस ट्रेन पे आ गया है, क्योंकि अब उसका इस नई वाली थॉमस ट्रेन से मन भर गया है। यहाँ पर फाइनली साईं ने अपनी नई वाली थॉमस ट्रेन ही चला ली है, क्योंकि पुरानी वाली थॉमस ट्रेन के पहिए टूट दिए हैं इसने। ये देखिए पुरानी थॉमस ट्रेन ख़त्म हो चुकी है, तो फिलहाल इसने अपनी नई वाली थॉमस ट्रेन को ही चालू कर लिया है। मैंने जैसा कि आपको बताया था साईं पिछले कई दिनों से प्रॉपरली खाना नहीं खा रहा है, तो अभी देखिए साईं की मम्मा साईं के लिए खाना खिलाने की कोशिश कर रही हैं कि ये जैसे तैसे करके कुछ तो खाए, वरना ये खाना नहीं खा रहा है कुछ दिनों से। अरु भी सेम परेशान कर रही थी ऋतु दी के लिए। यहाँ पर साईं ने अपने सारे खिलौने फैला लिए हैं रूम में, और इस वाली थॉमस ट्रेन का भी इसने कबाड़ा कर दिया है। देखिए आप ये वाली थॉमस ट्रेन इसको बर्थडे पर मिली थी, तब इसने बैंड बजा दिया है, ब्लॉक्स वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं, खो दिए हैं आधे ब्लॉक्स। और ये देखिए अभी रूम को फिलहाल हमें जमाना भी पड़ेगा। तो गाइस साईं तो खेल रहा है अपनी थॉमस ट्रेन के साथ और खा रहा है खाना, और मुझे भी काफ़ी भूख लगी हुई है, तो अब मैं भी करता हूँ ये अपने ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले ब्लॉग के साथ मैं बहुत ही जल्द आऊँगा, तब तक के लिए बाय।